हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि रिक्त स्थान, सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। आपके ऑप्शन है गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों। आपके पास है 5 सेकंड, और अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? हमारे ऑप्शन है मानव मन, कंप्यूटर, दोनों बराबर कह नहीं सकते। आपके पास है वही 5 सेकंड। तो दोस्तों, इसमें मानव मन ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू के काम रिक्त स्थान हैं। ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है? ऑप्शन है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत। तो फ्रेंड्स, इसमें से सामान्य ऑप्शन 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है हमारे शुद्ध, मानव, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, उपयुक्त सभी। तो हमारे ऑप्शन है कृत्रिम स्मृति में अवांछित डेटा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इनमें से निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसमें ऑप्शन है या कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में रिक्त स्थान शामिल हैं। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, और ए बी सी या तीनों ऑप्शन सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए बी और सी। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों शामिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। हमारे ऑप्शन है सीमित, असीमित, निम्न
उच्च। सोचिए फ्रेंड्स, सोचिए कंप्यूटर की क्षमता है। इसमें सीमित ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे निवेश, आउटपुट, सीपीयू, इंटरनेट। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में इंटरनेट। हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर चार, इंटरनेट शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ऑप्शंस हैं प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर तीन, ये वाला सही। क्योंकि सीपीयू फ्रेंड्स सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तथा उसके आदेशानुसार डेटा को इनपुट और आउटपुट करता है। ओके फ्रेंड्स,